एज यूजुअल सबको पता है आज रक्षाबंधन है तो ABCD हेलो गाइज वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है एज यूजुअल सबको पता है आज रक्षाबंधन है तो मेरी तरफ से सबको रक्षाबंधन। यहाँ देखो फोटो शूट चल रहा है बहुत तगड़े वाला और आज हमें बहुत सारे काम भी हैं साथ के साथ। आज बहुत अच्छा दिन है तो करते हैं दिन को शुरुआत बढ़िया तरीके से। अभी हम रेडी हो चुके हैं नहा धो के और सब रेडी हो रहे हैं रक्षाबंधन की त्यौहार पे राखी वगैरह बांधेंगे। उसके बाद मैं छोटी बहन को छोड़ने जाऊंगा घर पे तो देखते हैं क्या प्लान रहता है पूरे दिन का बाकी का। और चलो अभी कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम। सो गाइस मैं दीदी को छोड़ के घर की तरफ निकल चुका हूँ। मैं ज़्यादा देर बैठा नहीं, मुझसे से 15-20 मिनट बैठाऊँगा क्योंकि घर पे बड़े जीजू भी आए हैं उनको भी अटेंड करना है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और समीर को कमेंट सेक्शन में बताना कैसे गया उनका रक्षाबंधन और कैसा था उनका एक्सपीरियंस। मुझे तो सही सही लगा, ज़्यादा वो भी नहीं था पर हाँ सब जो वह जल्दी जल्दी में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी टाइम जा रहा है, एक बज चुका है और बस क्या बताएं। चलो अभी घर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। प्लान तो अभी कुछ खास है नहीं ऐसा पर अभी देखते हैं। चलो इतने आप टाइम लैप्स एंजॉय करो, लेट्स गो। ना आए हो ना आओगे, ना फोन पे बुलाओगे, ना शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम क्यों गए, हर बात बाकी है। गए नाइस। सो फाइनली हम घर आ चुके हैं, ये बक बक करे जा रही है, कल इसका एग्जाम है। लेकिन उससे पहले कल का भी व्लॉग आने वाला है बहुत बढ़िया चटक तरीके से। चुप हो जाना 2 सेकंड के लिए। The next morning. Hello guys, welcome. Green light होगी, मिलेंगे। So hello guys, welcome back to the new vlog. So today is 29 August. So today is 29 August और आज है संडे और संडे के दिन सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है रेस्ट डे। लेकिन आज हम देने आए हैं, क्या देने आए हैं भाई? पेपर देने आए हैं भाई, दिलाने आए हैं। एक्चुअली मेरा नींद दोनों का एग्जाम है और ये रहा तू समय पढ़ रहा भाई, 15 दिन कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ गए। लट काट देगा, लट दिख रहा। तो कुल मिला के बात ये हम पहुंच चुके हैं 2 घंटे पहले और अभी करने को कुछ भी नहीं है, पढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है दोनों की। अभी 1 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग है इनकी, 1 घंटे के अंदर इनको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, चुप हो जाओ ना, बिठा देंगे। 11 बजे हमें बिठाएंगे और 12:30 बैठे रहेंगे, 12:30 भी पढ़ देंगे, इतना बिना मुंह सब कुछ। और जो मेरी कजन है उसको हम छोड़ के आ चुके हैं बेगमपुर में, उसका एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ है तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आज पूरा दिन ऐसे जाएगा। तो कुल मिला के हाँ भाई कैसे एक्साइटेड लग रहे हो तुम? हाँ भाई इतने परेशान है, इतने प्रेशर में है दोनों, इसने तो मुंह ही छुपा लिया अपना।
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, पास तो हो जाएंगे ना। ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो, तक तक सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो, तक तक सस्ते। सलीन का रिजल्ट भी आपको बताइए। चलो अभी करते हैं, देखते हैं अभी अंदर जाना है, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी किसको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है तू? सो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि मैं वहाँ से निकल गया, कैडेट चैनल कट रहे थे, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, अभी मैं खड़ा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, हिमांशु का एग्ज़ाम भी यहीं आज, और टिकरी कला में, और उनका मुंडगा में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 7-8 किलोमीटर का डिफरेंस है, 7-8 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस है बस इस से, मेट्रो पिलर नंबर 5 और 7 देख लो आप कितना, 200 मेट्रो पिलर का डिफरेंस है। लेकिन मेन बात यह है कि उसका फ़ोन वगैरह कहाँ रखना, और उसका जो बैग है यहाँ पर रखने की जगह नहीं है, तो आई थिंक मेरे को अपने बैग यहीं पर रखने पड़ेंगे। तो मैं आ गया हूँ उसका सामान लेने के लिए, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा मुक्ता को लेने के लिए बेगमपुर, ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड टू अराउंड 7-8 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 मिनट का रास्ता है, 15-20 मिनट का रास्ता है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। अराउंड टू अराउंड 12 बजे के आसपास जाना है, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, इनकी रिपोर्टिंग टाइम चालू हो चुकी है, रिपोर्टिंग पता नहीं कितनी देर में आएगा वो, 15 मिनट बोल रहा था मेरे को, क्योंकि अभी कंजावला में फंसा हुआ है। ऐसी है कि यार एग्ज़ाम के टाइम पर ना पहले निकलना चाहिए, बेहद मेन चीज़ होती है, हम तो बहुत देर पहले पहुँच गए थे। कोई बात नहीं, अभी लेट्स सी क्या होता है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब दबा देना और लाइक कर देना। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं अभी कितनी देर में आ रहे हो, फिर आपको मिलाते हैं उससे। 2000 years later. गाइस हम रास्ते से निकल रहे थे, भटके हुए 4-5 लोग मेरे। हेलो बॉयज, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो सर, हम आई एम रिसेंटली ईआर ग्रेजुएटेड। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, क्या गले मिले एक दूसरे से? ए बी सी डी फॉर एप्पल, बी फॉर बट एप्पल। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं सारिश करता हूँ। जी फॉर गैप, मार पंती, पंती मार। सी फॉर केशव एप्पल, सी फॉर केशव, हैशटैग एप्पल, मतलब अच्छे वाला सी फॉर केशव छटा हुआ। लोग को यही एंड करते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो लूज मोशन लग जाएंगे। ये जतिन, हाय बोल। हेलो गाइस, One hour later. तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबा देना, और अगर हमको ऐसी सपोर्ट करते रहें, जल्दी से जल्दी उनके होने वाले हैं, करा दो जल्दी जेड पैड, वीडियो शेयर कर दो दबा के, और बेस्ट ऑफ लक फॉर मी। कल 2 घंटे खाली बैठेंगे। सब्सक्राइब टू माय चैनल, वरना लूज मोशन लग जाएंगे। अरे इनका तो काम ही है हंसना, अब मम्मी इनकी बनाएगी देख रसना, छोड़ जाने दे हमें नहीं है बसना, दारू ज्यादा थोड़ा तू भी ले आयो ना चखना, देख अब कैसे बना रहा हूँ गाने, बकचोदी पेल रहे हूँ गाने के बहाने, घर पे खाली बैठा हूँ अब मैं भी करूँ क्या बे, तो कुछ और करना, क्रिंज मत फैला बे। सॉरी यार सॉरी, देख ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तू भी सही है, पर चल रहा तो चलने देना, एक सुखी सही है। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना हम अक्षर माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।